से आपके विधायक ने बयान दिया है माता दुर्गा को लेकर, उसको लेकर विपक्षी जो है सवाल उठा रहे हैं कि आप लोग इस तरीके से बार बार हिंदू धर्म को अपमान कर रहे हैं। व्यक्तिगत प्रतिक्रिया पार्टी के विचारधारा और पार्टी के लाइन का हिस्सा कतई नहीं हो सकता है, और मैं स्पष्ट तौर पे कहता हूं कि आस्था पर कभी आघात नहीं होनी चाहिए। हम माता दुर्गा का पूजा करते हैं, हमारे नेता भी करते हैं, पर सवाल ये उठता है कि किसी की आस्था नहीं है, उसकी व्यक्तिगत मामला है। जबरन किसी पे आस्था हम थोप भी नहीं सकते हैं, धर्म धारण करने का विषय है, और हम जिस धर्म को धारण करते हैं हम प्रतिबद्ध हैं। हम भाजपा नहीं न हैं कि धार्मिक उन्माद को बढ़ावा दें। जहां हम धर्म के प्रति आस्था को दोहराते हैं, वहीं हम दूसरे धर्मों का आदर भी करते हैं, क्योंकि धर्म परायण व्यक्ति वही होता है जो व्यक्ति अपने धर्मों का सम्मान करता तो है ही है, आस्था रखता तो है ही है, लेकिन दूसरे धर्मों का भी आदर करता है। किसी भी व्यक्ति को धर्म के सवाल पर प्रतिक्रिया देने से बचना चाहिए कि ताकि वो कोई आहत ना हो। फतेह बहादुर जी का जो बयान है उनका व्यक्तिगत तो बयान है, मेरी पार्टी के लाइन से कोई लेना देना नहीं है। अगर उनको महिषासुर उनके विचारों के तहत आते हैं तो उनका विषय है, ये राजद का विषय नहीं है। लेकिन विधायक तो आपके हैं, वो कह रहे हैं कि महिषासुर जो था वो यादवों का राजा था, तो क्या आप, क्योंकि आप भी यादव ही हैं, तो आप इस बात से महिषासुर मर्दिनी माता जगदम्बा अष्टभुजी रानी है। 32 नामों का जब स्मरण करेंगे तो भाव प्रकट होते हैं। आदि शक्ति ने उत्पन्न किया है ब्रह्मा विष्णु महेश को, तीन नाम का नामकरण और हर शक्ति से संपन्न करने का श्रेय आदि शक्ति को जाता है, और आदि शक्ति के प्रतीक है माता जगत जननी जगदम्बा। तो उनके प्रति कोई अगर कोई भाव भाव बोलता है तो मैं कतई स्वीकार नहीं करता, और इस बयान से राजद का कोई लेना देना नहीं है। आपको लगता है कि क्योंकि वो आपके पार्टी के विधायक हैं तो आप उनसे इतना आसानी से पल्ला नहीं झाड़ सकते हैं, तो आपको लगता है कि ऐसे बयान से बचना चाहिए? इस तरह के बयान से परहेज करना चाहिए, पार्टी का स्पष्ट राय है। जो लोग परहेज नहीं करते हैं वो अच्छी बात नहीं है। पार्टी जहां डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के विचारों को लेकर के आज जो रामायण मेला लगाते थे, हम उस समाजवादी विचारधारा के हैं ना, हम कभी भी आस्था पर आघात नहीं कर सकते। जो लोग कर रहे हैं उनको नसीहत है कि कृपया अगर आपको जो चीज़ें पसंद नहीं है अपने घर में रखें, आप पीपुल डोमेन में इन चीज़ों को नहीं परोस सकते, कतई स्वीकार नहीं हो सकती।